तो गाइस आज हम आए हैं पुणे के आगा खान पैलेस में, जो कि आप पीछे देख सकते हो। ये जो है पुणे का आगा खान पैलेस है। ज्योति वहाँ पे गई है टिकट लेने के लिए, तो टिकट ले लिए हैं। अभी हम जा रहे हैं आगा खान पैलेस के अंदर। तो गाइस एंट्री फीस जो है 25 रुपीज़ पर पर्सन है। पार्किंग चार्ज ऐसे कुछ दिखा नहीं हमें वहाँ पे, अभी जाते वक्त पता चलेगा। तो गाइस गार्डन जो है ना यहाँ का बहुत अच्छा बनाया हुआ है। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं आगा खान पैलेस के अंदर। तो गाइस ये आगा खान पैलेस जो है 13 एकर पे बना है। इसमें पैलेस जो है 7 एकर में, और बाकी का जो है एक वेल मेंटेन गार्डन है, आप देख सकते हो। तो गाइस ये आगा खान पैलेस सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान थर्ड, इन्होंने पुणे में 1892 में बनवाया है, और इसे बनाने में उस टाइम लगभग 12 लाख रुपए का खर्च आया था। और गाइस इसे बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन किया भी गया है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। तो यहाँ से आपको एंट्री करनी है। तो गाइस अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके ये पढ़ सकते हो। तो गाइस जैसे आप एंटर करोगे तो सामने आपको गैलरीज दिखेंगी। 5 से 6 गैलरीज हैं। हर एक गैलरी में महात्मा जी की तस्वीरें, उनका जो इतिहास है, हिस्ट्री है, उसके बारे में बताया गया है, उनका लाइफ के बारे में बताया गया है। यहाँ पे उन्हें रखा गया था कैद करके, तो वो भी जानकारी यहाँ पे दी गई है। ऐसे बहुत सारी साइनेजेस हैं जहाँ पे आप उनकी जानकारी जो है पढ़ सकते हो। तो अभी हम गैलरी नंबर 1 में जा रहे हैं। इसमें जो है महात्मा जी की मूर्ति है, उसी के साथ साथ उनके जीवन में जो घटनाएं हुई, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी क्या भूमिका थी, उसका भारत के ऊपर क्या प्रभाव हुआ, इसी के साथ साथ गांधी जी के कुछ फ़ोटोज़ हैं, कुछ चीज़ें भी यहाँ पे हैं, तो वो यहाँ पे रखी हुई हैं। यहाँ पे आके आप देख सकते हो। बहुत सारे ऐसी साइनेजेस हैं जिस पे पूरी डिटेल्स लिखी हुई है, आप पॉज करके भी पढ़ सकते हो। बीचों बीच यहाँ पे जो है गांधी जी की मूर्ति रखी हुई है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। और यहाँ से आप दूसरी गैलरी में जा सकते हो जहाँ पे महात्मा जी का स्कल्पचर रखा हुआ है, और यहाँ पे भी जो साइनेजेस हैं आप देख सकते हो, जिसके ऊपर जो है जानकारी लिखी हुई है, आप पॉज करके देख सकते हो।
और यहाँ पे ये जो है महात्मा जी का एक स्कल्पचर है जो यहाँ पे बीचों बीच रखा गया है। गाइज ये है गांधी जी के सेक्रेटरी जिन्हें यहाँ पे कैद किया गया था, महादेव देसाई। सामने वाली स्क्रीन पे डॉक्यूमेंट्री भी प्ले हो रही है, आप इसे भी देख सकते हो। इसी के साथ साथ ये दूसरी गैलरी, इसके नेक्स्ट ही यहाँ से ही दरवाज़ा है इसमें अंदर जाने के लिए। ये यहाँ महात्मा जी का एक स्कल्पचर, उनकी एक मूर्ति रखी गई है। थी फोर्थ गैलरी जो कि अभी हमने देखी। इसके बाद जो है फिफ्थ गैलरी जो आती है, तो उसके अंदर आप नहीं जा सकते हो क्योंकि ये जो है ये रूम बेसिकली महात्मा गांधी जी और कस्तूरबा गांधी जी, इन्हें जब कैद में रखा गया था तो उनको इस रूम में रखा गया था। तो उनका जो सारा सामान है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसे पूरी तरीके से लॉक किया गया है, यहाँ पे अंदर आप नहीं जा सकते हो। इन कांच के थ्रू तो ये आपको बाहर से ही देखना होगा। यहाँ पे उनकी फोटोज, उनका सारा सामान रखा गया है। उसी के साथ साथ यहाँ पे ये जो सिक्स्थ गैलरी है, यहाँ पे भी महात्मा जी की मूर्ति है। ऐसे ही साइनेजेस हैं कस्तूरबा गांधी जी के बारे में लिखा गया है यहाँ पे। और इस स्क्रीन पे उनकी डॉक्यूमेंट्री भी प्ले हो रही है। गाइस जैसे आप गैलरी नंबर 6 से बाहर आते हो तो यहाँ से जो है आप महात्मा जी गांधी और कस्तूरबा गांधी जो है तो उनकी समाधि स्थल पे जा सकते हो। तो यहाँ से सामने से आपको लेफ़्ट लेके सीधा जाना है, जो रास्ता जो है समाधि की ओर जाता है। समाधि है महादेव हरिभाऊ देसाई, इनकी है। ये श्रीमती कस्तूरबा गांधी
और वो जो है महात्मा गांधी जी की समाधि है। तो गाइज़ ये जो समाधि है ये महात्मा गांधी जी की है, और वहाँ पे जो दो समाधि है वो महादेव देसाई और कस्तूरबा गांधी जी की समाधि। तो गाइज़ अभी हम निकल रहे हैं, तो आज के वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।